थैंक यू जय जस के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, एक्चुअली थोड़ा भावुक हूँ। पहली बार ज़िंदगी में कुछ खुद से करने की कोशिश की है और ये समझ में आया है कि आसान नहीं होता है। बट येस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी इमोशनल डे फॉर मी। एंड बस यही कोशिश करूँगा कि हम अच्छा काम करें, अच्छे गाने बनाएं और ऑडियंस तक अच्छा गाना पहुँचाएँ। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए हम बोल सकते हैं ये। हाँ जी, सो क्या है कि यू नो, हमारे जहन में आमतौर से जब भी हम ये कहते हैं कि इट्स इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, तो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि छोटा होगा, फिल्म लेवल पे नहीं होगा। तो यही हमें चेंज करना है जस्ट म्यूज़िक में, कि हम इंडिपेंडेंट करेंगे। इंडिपेंडेंट इसलिए बिकॉज वो फिल्म में नहीं है, बट वो उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बेहतर होगा। साउंड क्वालिटी हो, ऑडियो क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी हो। एंड येस, वी वॉन्ट टू ट्राई एंड मेक द इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन एज बिग एज द फिल्म म्यूज़िक सीन। जुबिन नौटियाल से अभी रिसेंटली मेरी बात हुई, तो वो कर उन्होंने कहा कि अब भूल से गए इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को देखा जाए। किन से बात थी? जुबिन से। हाँ जी, तो फिर अब वापस दौर आ रहा है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जुबिन इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट, मेरा दोस्त है। एंड राइटली सेड, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन 90s में फिर भी था, अभी नहीं है लास्ट 15-20 साल से। एंड इट्स पीपल लाइक अस जो चेंज कर सकते हैं। एंड बिकॉज जस्ट म्यूज़िक इज़ ओनली फोकसिंग ऑन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, हमें लगता है कि हम कुछ अलग कर पाएंगे। और आप सबका सपोर्ट रहा कि ये मैसेज अगर आप लोग ने म्यूजिशंस तक पहुँचाया, एंड देल कॉन्टैक्ट अस। जस्ट म्यूज़िक इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यंग म्यूजिशंस। किस तरह से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे आप लोगों? तो हमारे ऑफकोर्स ईमेल एड्रेसेज हैं जो वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। हमारी ऑफिस ऑफकोर्स सबको पता है कहाँ है। एंड ऑफ कोर्स जस्ट म्यूज़िक नाउ एवरीवन विल नो वेयर इट इज़। और ऑनलाइन हो, हम बहुत जल्दी एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं जिसके द्वारा यंग म्यूजिशियंस हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड होपफुली यू नो, आप लोग सब लोग का साथ रहेगा तो अच्छा काम कर पाएंगे। मिली नंबर वन भी आ रही है प्रोडक्शन, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड उसके लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ ऑफकोर्स, यू नो, कि ये सारी फिल्में आ रही हैं। कुली नंबर वन से मेरे डैड ने अपना प्रोड्यूसर का करियर शुरू किया था, और यू नो, मेरी बहन और मैं बहुत एक्टिव हैं भी। और थोड़ा सा भावुक मोमेंट है, डेविड अंकिल ने वो फिल्म बनाई थी, अब वापस वही बना रहे हैं, वरुण और सारा हैं उस फिल्म में। तो इट्स अमेजिंग, वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस एट होम। एंड बस हमारा काम है कि मेहनत करें, बाकी तो प्रोडक्शन और म्यूजिक सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से एनर्जी? यू नो, मुझे मेरे फेलियर्स ने सिखाया कि यू नो, जब भी मैंने कोई काम किया है और सक्सेस मिला है तो ग्रेट, जब फेलियर हुआ है तो दो चीज़ें होती हैं, या आप कड़वे बन जाओ, या आप सोचो कि यार ये क्यों नहीं चला। आप एक प्रोडक्ट हो, आपने एक प्रोडक्ट आगे रखा है और वो शायद जनता को उतना नहीं पसंद आया, और उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया मुझे और मुझे सीखने पर मजबूर किया। एंड वहाँ से ही स्ट्रेंथ मिलती है कि और अच्छा करेंगे, और बेहतर करेंगे, और वापस जाएंगे, रीएनालाइज करेंगे और ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाएंगे मार्केट में जो शायद ऑडियंस को पसंद आए। एंड वहाँ से ये एनर्जी आती है। एंड या आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को कहाँ देखते हैं? एक्टिंग में देखते हैं या प्रोडक्शन में? कितना या प्रोडक्शन में कितना प्रेशर होता है? सी, अंदर से तो मैं एक्टर हूँ, राइट? मैं हर जगह, हम सब एक्टर हैं, राइट? आप भी एक्टिंग कर रहे हैं, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, हम सब एक कैरेक्टर निभा रहे हैं। एंड अभी मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा हूँ ना, बट ऑफकोर्स एक्टिंग इज़ माई फर्स्ट पैशन। और एज एन एक्टर ही मैं सोचता हूँ तो ही मैं अच्छा प्रोड्यूसर भी बन पाऊँगा और अच्छा म्यूज़िक लेबल फाउंडर बन पाऊँगा। बिकॉज अगर मैं एज एन एक्टर सोचूँगा तो ही मैं ट्रू रह पाऊँगा कॉन्टेंट के लिए और म्यूज़िक के लिए और आर्टिस्ट के लिए। और आज के दौर में, डिजिटल एज में, यू नो, अगर अच्छा काम करोगे तो ज़रूर ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये लास्ट 1-1.5-2 साल में तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया है। ऐसी ऐसी फिल्में जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो सुपर हिट हो रही हैं। सो आपने डिजिटल का जिक्र किया तो बहुत सारी वेब सीरीज अच्छा करी है। हाँ जी, तो आपके जहन में कोई स्क्रिप्ट वेब सीरीज को लेके या इस और आगे? ऑफकोर्स है, करना चाहता भी हूँ, कुछ चीज़ों पर वर्क कर रहा हूँ।
कुछ अगर ऐसा होगा जो मुझे लगे कि यू नो मेरे लायक है, या डायरेक्टर को लगे कि मैं उनके लायक हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं ज़रूर उसे निभाना चाहूँगा। आपकी फिल्म मित्रों काफ़ी मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिल्म, मुझे उतना उसने कारोबार नहीं किया। हाँ, तो जब इस मतलब आपकी फिल्म अच्छी है और उसके बाद भी अच्छा कारोबार नहीं कर रही है, तो किस आपके अंदर किस तरह की फीलिंग था? सो देखिए क्या है कि अगर मैं सच कहूँ, और आज मैं मीडिया के सामने एकदम सच कहूँ और अपने आप को बिल्कुल रोकूँ नहीं, और मेरी पीआर एजेंसी मुझे डांटेगी, बट आई थिंक मुझे सच बोलना चाहिए कि मेरे मन में हमेशा था कि यार मैं अगर कंपनी के बाहर काम करूँ और अच्छा काम करूँ, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूँ, बहुत मेहनत करूँ, अच्छी एक्टिंग करूँ, तो मुझे सक्सेस मिलेगा। ऑफकोर्स क्रिटिकली बहुत सक्सेस मिला जैसे आपने कहा, और जब मैं रोड पर भी जाता हूँ, जनता से मिलता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं हमको आपकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, हमें कमरिया गाना बहुत पसंद आया। लेकिन मुझे एक और चीज़ सीखने मिली मित्रों के बाद कि 5 उंगली से एक मुट्ठी बनती है, सो मार्केटिंग और जनता को ये पता रहे कि इस फ्राइडे आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अच्छी फिल्म बनाना। सो ऑफकोर्स इसके पहले हम लोग ने मार्केटिंग पे फोकस किया था, इस बार हमने अच्छी फिल्म बनाने में फोकस किया, तो हमें लगा कि शायद मार्केटिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आई फेल्ट दैट समवेयर लॉट ऑफ पीपल डिडंट इवन नो दैट द फिल्म वॉज कमिंग आउट दैट फ्राइडे, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी प्राउड। और मेरे जो दोस्तों में जो जोक चलता है कि चलो एटलीस्ट फाइनली तुम्हें अभी एक्टर लोग समझते हैं, सो इट फील्स गुड बिकॉज यू नो आपने इतनी मेहनत के बाद आपको लगता है कि यार एटलीस्ट आपकी एक्टिंग एज एन एक्टर लोगों को पसंद आए, तो जब ऑफकोर्स एंड स्पेशली समवन लाइक यू हु इज़ डे इन डे आउट एज मीडिया, आप लोग ट्रेलर्स देखते हो, इवेंट्स पे जाते हो, इतना सारा कंटेंट देखते हो, और आपको लगा कि यू नो मैंने मित्रों में ठीक ठाक काम किया, सो ऑफकोर्स दैट फील्स गुड, इट मेक्स मी फील कि हाँ मैं मेहनत और करूँगा और अच्छा प्रोडक्ट रखूँगा, तो देन इट डज़ नॉट मैटर मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, बिकॉज अच्छा काम करोगे तो पब्लिक आपको सराहेगी, अच्छा काम नहीं करोगे तो आप कहीं से भी आओ, कुछ भी करो। कुली नंबर वन में क्या हम आपका कोई कैमियो या? नॉट एट ऑल। अगर चांस मिले तो? अगर नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा सर, फाइनली सर 370 देखा जाए तो हटा दिया गया कश्मीर से, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, कितना सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग प्रॉब्लम्स में थे, तो अब छुटकारा मिल गया है। देखिए ए आई एम कम्प्लीटली ए पॉलिटिकल एंड माई ओपिनियन आई डोंट नो इवन नो इफ इट मैटर्स और डजेंट मैटर, बट मैं ये कहूँगा कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि हमें सबको लेके चलना चाहिए, और अगर सबके हित की बात हो रही है तो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।